हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, उसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कल अपन ने रेक्टेंगल के क्वेश्चन करे थे आयत के, आज इनके करेंगे। सबसे पहले इनकी विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद में इनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के बन पा रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज क्या होता है? डेफिनेशन से उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और लंबाई में समान होती है। सबसे पहले इसका ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं ये वाली इसके इक्वल एंड ये इसकी लंबाई इसके इक्वल आपस में समांतर होती है। देन दो समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी नहीं मिले एक दूसरे से और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या बनी रहे? सेम। तो इसकी विशेषताएं, पहले सबसे पहले विशेषता यही है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर आमने सामने की भुजाएं समांतर व लंबाई में समान होती हैं। ओके। मतलब मैं इसको ए बी सी डी से डिनोट करूं तो इसका मतलब है कि जो ए बी है वो समांतर है किसके? डी सी के। एंड ए डी है वो समांतर है बी सी के। साथ में इनकी लंबाई ए बी इक्वल भी है किसके? डी सी के या सी डी के। एंड ए डी इक्वल है बी सी के। उसके बाद में जो इसके विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे, जो ये वाला विकर्ण है इसका एक विकर्ण है, इस विकर्ण से जो ये वाला त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, इनका एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है। फिर इसका विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है। विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। ओके। इसके दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एंड एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ये दोनों बराबर हो गए। और जो विकर्ण है, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब इसकी लंबाई इसके बराबर है। ये जो विकर्ण है ए डी विकर्ण डी सी को बराबर भागों में बांट रहा है और जो डी बी विकर्ण है वो ए सी को बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब समान समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी देखो तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो समान भागों में बांटते हैं। अब नेक्स्ट है, जो आमने सामने के जो इसके कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला ए के बराबर है एंड डी बी है, डी कोण बी के बराबर है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ओके। अब करें इसके क्षेत्रफल की बात। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ आपको।
कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करनी, चलो दूसरा बना लेंगे। ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? तो इसका एरिया देख रहे हैं अपन, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा इसका जो होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। डन। आधार, यदि आधार इसका एक, तो या तो इस भुजा को ले सकते हैं, ये बेस होगी, या फिर ये वाली। ये क्यों लिख रही हूँ मैं, ठीक है? अब यहां से ऊंचाई कितनी आएगी, यहां से लंबवत दूरी, राइट? ये वाली डिस्टेंस, या फिर इधर से देखें तो इसको ये वाली डिस्टेंस, ठीक है? या तो ये इसको बेस माने तो यहां से एक लंब खींचते हैं, और इसको बेस माने तो ये वाला लंब, ठीक है? तो ये क्या होगी, यदि B1 मान रहे हैं तो इसको हाइट मानेंगे, यदि ये वाला बेस मान रहे हैं तो ये हाइट ये हो जाएगी। बेस से जो लंबवत तो सामने वाले भुजा पे जो लंब डालेंगे उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है? अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेमी है। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा अपने को दे रखी है 19 सेमी। इस भुजा की, इसके सामने की भुजा से दूरी, ये सामने भुजा से दूरी दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना होगा समांतर चतुर्भुज का, क्षेत्रफल पूछा है। ऑप्शन अपने को दे रखे हैं 295 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दे रखा है 282 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डी दे रखा है अपने को 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? ये दे रखे हैं। तो समांतर चतुर्भुज, ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? अब इसमें दे रखा है, इसमें क्या क्या, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेमी है। सपोज करो ये 19 सेमी है, और फिर भुजा है, इस भुजा की इसके सामने भुजा से दूरी, इस भुजा की इसके सामने भुजा से दूरी, लंबाई हमें दूरी हमेशा ना लंबवत होगी, तो वो कितनी है, 15 सेमी है, ठीक है? दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो इसने सीधा सीधा ही पूछ लिया, क्षेत्रफल कितना होता है आधार गुना ऊंचाई। तो 15 गुना 19 तो कितना हो जाएगा, 5 28। तो ये कितना हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज के पास पास की भुजाएं 36 व 26 सेंटीमीटर है। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख रही हूँ, सॉरी डिनोट कर रही हूँ डायग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या बन गया, देखो ये समांतर चतुर्भुज है, ओके? ये समांतर चतुर्भुज है, इसके पास पास भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है, 36 और 26, मतलब लंबी वाली 36 है सेंटीमीटर है,
और ये 27 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोल रहा है, तथा उस चतुर्भुज के छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, छोटी भुजा ये वाली, ये छोटी है ना, इससे 36 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दिखा रखी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब लंबवत दूरी ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब क्या पूछा है, ये वाली पूछी है, ये वाला कितना होगा। तो डिस्टेंस है, यदि मैं इसको ए बी सी डी बोलूं, तो यहाँ से क्या आएगा, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, दे रखा है पी और डी की लंबाई और पूछी है क्यू और डी की, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, अब तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको सीधा सा है, अपने को पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे भी निकाल लो, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकाल लो, वो क्या आता है, हमेशा बराबर ही आएगा। तो अपने को ये वाला, इसको आधार मानो, ये बी वन मान लो, ये बी टू मान लो, इसको आधार मानो, तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया, क्षेत्रफल 27 गुना 12, आधार गुना ऊंचाई, ये इसकी हाइट होगी इसके आधार पे, तो इसका कितने आगे वैल्यू, इसको ऐसे ही रखते हैं, नेक्स्ट इसलिए कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं इसको एक्स मान लू, सपोज दैट जो क्यू डी है उसकी लंबाई एक्स है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 36 इंटू एक्स। अब ये दोनों क्षेत्रफल अब किसी भी तरीके से निकाल लो, चाहे इसको बी वन मान लो, चाहे इसको बेस मान के निकाल लो, इसको बेस मान के निकाल लो, तो सेम ही तो आ रहे हैं, तो ये दोनों मतलब इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या है, 27 इंटू 12 इक्वल 36 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स इक्वल हो गया 27 इंटू 12 अपॉन 36, ये बढ़ती है 36 और 27, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर, और इसके ऑप्शन दे रखे थे 10, 12, 16 और 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, का अनुपात है 4:5 है। साथ में दे रखा है इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, साथ में दे रखा है क्षेत्रफल जो कितना है, 1000 वर्ग इकाई, इकाई दे रखी है, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा। फिर बोल रहा है कि बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 इकाई है, बड़ी भुजा पर लंब, लंबाई 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पे ज्ञात कीजिए, तो वो सही है, सेम वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर वाला है। छोटी भुजा पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज अपने पास, इसमें क्या दे रखा है, एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा 5 है, सपोज ये वाली 4 है, चार भुजाओं का अनुपात 4:5 है, तो मैं क्या मान सकती हूँ, छोटे वाली भुजा 4x होगी और बड़ी भुजा कितनी होगी, 5x, तो इसको 5x मान लो, इसको 4x, साथ में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और जो बड़ी भुजा पे लंब है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब बड़ी भुजा पे लंब खींचू मैं, तो ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटी भुजा पे पूछा है, अब ये अपने पास x की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, क्योंकि आधार भी दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है, और अपने पास क्षेत्रफल है ही ऑलरेडी, क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना दे रखा है, ये 1000 दे रखा है, और आधार 5x है गुणा ऊंचाई 20 है, तो यहां से कितनी आ गई, 1000 में कितने का डिवाइड करेंगे, तो 10, 100 का, तो कितना है एक्स की वैल्यू, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 10, इसका मतलब छोटी भुजा कितनी होगी, 40, और बड़ी कितनी होगी,
50, तो यहाँ पे ये 50 हो गए, ये 40 हो गए। अपने को ये वाली पूछी है, ये लंब की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ से सीधा सीधा निकाल सकते हैं अपन। कैसे, देखो इसी में मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्षेत्रफल दे ही रखा है, इसको बेस मान लो, ये कितना हो गया 40 हो गया बेस, और ऊंचाई अपने को निकालनी है, तो एच इक्वल कितना हो गया 1000/40, तो ये कितना हो गया 1 से 1 25 चौक 100, एच कितनी होगी 25 इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दे रखा है, सॉरी 160 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेमी है, साथ में दे रखा है विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 और विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 और 16 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों दे दी। तो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा क्या होगी, समांतर एक भुजा पूछिए कितनी होगी, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब साथ में दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 160, और इसके साथ में क्या दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है, इनके बीच की दूरी तो 10 है, 1 है, 60 है, सॉरी 16 सेमी है। अपने को भुजा पूछी है, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 12, बी दे रखा है 10, सी दे रखा है 8 और डी दे रखा है 9। अपने को पता है यदि एक्स को मैं आधार मानूं तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स इंटू 10 आधार गुणा ऊंचाई इक्वल 160, यहां से कितनी आई, एक्स की वैल्यू 16, तो ये वाली तो इसका मतलब पूछी नहीं, ये वाली भुजा। तो इधर देख लेते हैं दूसरे वाले में, इसकी आधार गुणा ऊंचाई तो 160 है, क्षेत्रफल कितना है 160, और आधार कितना है y, और ऊंचाई कितनी है 16, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10, तो 10 ऑप्शन में है, हाँ मतलब b इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ये है, उसके विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ मतलब डिनोट कर रही हूँ क्वेश्चन को। कोई समांतर चतुर्भुज है, सपोज करो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके साथ में दे रखा है कि इसके चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं ये 15 मीटर और ये 60 मीटर है, ओके। इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है, मतलब जो ये वाला है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के लिए अपने को क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, राइट, मतलब ये वाली हाइट या फिर ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली, ये दोनों हाइट अपने पास होती तो अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बट एक तरीका और अपने पास क्षेत्रफल निकालने का, क्या अपन क्या करें, सीधा हीरोन का जो फॉर्मूला होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण क्या, चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, ये पहला भाग ये दूसरा भाग, ये दोनों, इनका दोनों का एरिया क्या है, सेम है। यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं तो इसका एरिया मुझे अपने आप मिल जाएगा, राइट। तो अपन इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, ये अपने को पता ही है।
15 सेंटीमीटर। अब अपने को पता है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को दे रखी हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, भुजाओं का योग बटे 2, और उसके बाद में हीरोन का सूत्र लगाते हैं और उससे, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 20 प्लस 15 प्लस 7 बटे 2, तो यहाँ से कितना आया? 42। 42/2 मतलब 21। क्षेत्रफल कितना हुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, इस ऊपर वाले का, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आया, एस की वैल्यू कितनी है? 21। 21 माइनस 8 मतलब 21 माइनस 15, 20 माइनस b, 21 माइनस 7, 21 माइनस c, 21 माइनस 20, तीनों। तो यहाँ से कितना आया? अंडर रूट 21। 21 में से 15 गए, 6 बचे। 21 ये कितना? 14 बचा, यहाँ से 1 बचा। तो यहाँ से अपन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करने के बजाय सीधा सीधा निकाल लेते हैं। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुना 3, ये 3 गुना 2 हो जाएगा, ये 7 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 निकल गया बाहर, ये 3 निकल गया, और ये दोनों 7 निकल गए। तो यहाँ से कितना है? ये 42 आया। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का एरिया आ गया, ये वाला जो त्रिभुज है इसका एरिया आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया? 42 * 2। तो ये कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं समलंब चतुर्भुज या रोम्बस। तो पहले रोम्बस की जो विशेषताएं होती है वो देखेंगे, इसमें क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज होती है, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो इनके क्वेश्चन ज्यादा हार्डली नहीं आते, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। समलंब चतुर्भुज, सॉरी सम चतुर्भुज, उसके बाद में समलंब देखेंगे, पहले सम चतुर्भुज देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सम मतलब समान, चारों भुजाएं समान हो, उसको क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज बोलेंगे। इसकी विशेषताएं, तो सबसे पहले चारों भुजाएं क्या होती हैं? एक तो समान होती हैं, बराबर मतलब लंबाई में समान। चारों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, और जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। डन। सपोज करो ये इसके विकर्ण हैं, ये इधर से जोड़ दिया, इधर से मैंने कनेक्ट कर दिया। सही नहीं बनाई, फिर भी मान लेते हैं ये इसका विकर्ण है। तो जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो क्या है? 90 डिग्री है, मतलब ये इसको 90 डिग्री पे, ये इसको 90 डिग्री पे, ये इसको 90 डिग्री पे, ये और एक दूसरे को क्या करते हैं? ये समान लंबाई में समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला ये सेम है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी क्या होगी कि विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणफल।
जो विकर्ण की लंबाई है उसका गुणनफल। और इसका परिमाप आपको पता है, इनकी भुजाएं समान होती हैं, तो 4 गुना भुजा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, उसके विकर्ण की लंबाई 14 सेमी है, तो क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है भाई, एक समचतुर्भुज है, ठीक है मैं इतना ही लिख रही हूँ, का परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है? 100 सेंटीमीटर है। साथ में दे रखा है विकर्ण, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, अब अपने को क्या दिख रहा है? सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये एक यदि समचतुर्भुज है, मान लो बना तो नहीं, फिर से बनाते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, इसका परिमाप मतलब 4 गुना भुजा, वो क्या दे रखा है? 4 गुना भुजा, ए इसकी भुजा मान ली, तो एक भुजा की लंबाई कितनी है? 4, मतलब ये वाली 4 क्यों आई? 25 आई, 25। तो ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25। साथ में क्या दे रखा है? विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण मान लो जिसकी लंबाई 14 सेमी है। तो मैंने क्या बताया, जो ये लंब, ये इसके विकर्ण एक दूसरे को, मैं ये वाला जो विकर्ण है ए बी, इसकी लंबाई 14 मान रही हूँ, तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। उसके बाद में हमें ये भी पता है, ये जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ से ये क्या बना अपने पास? एक त्रिभुज, वो भी कौन सा समकोण त्रिभुज? ये 7 है, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली भुजा, ये जो ये वाली भुजा है, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी आएगी? 25 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 625 माइनस 49, मुझे तो सीधा सीधा याद है, इसका 24 आएगा, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय में मैंने 5-7 आपको वो दिखाई थी, कर्ण लंब और उनकी सिचुएशन, उनमें है ही एक, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, या फिर कैलकुलेट करके देख लो। तो यहाँ से ये 24 आ गई, इसका मतलब 24 है तो ये 12 है और ये वाली 12 है, ये दोनों लंबाई 12 12 होगी। तो यहां से क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितने हुए इसके? एक तो 48, मतलब ये अपने, सॉरी अपने कौन सी वाली वैल्यू आई है? ये एक वैल्यू ही अपने पास कितनी आई है? 24 आई है। तो ये कितना हो जाएगी? ये भी 24, मतलब पूरा जो अपने पास जो विकर्ण आया उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 48। तो ये 48 गुना, और ये पहले से एक दे रखी थी वो 14, यहाँ से इसको, तो 24 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 33, ये 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें ऐसे ही आएगा कि आपको एक मतलब परिमाप दे देगा, तो भुजा पूछ लेगा, विकर्ण पूछ लेगा, क्षेत्रफल दे देगा, एक मिसिंग कर देगा और बाकी क्वांटिटीज दे देगा सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाप दे रखा है समचतुर्भुज का जो है 40 सेंटीमीटर, दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई, एक की लंबाई दे रखी है 12, तो दूसरे की पूछिए, मतलब वो वाला क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा एक स्टेप पहले ही पूछ लिया, दूसरे जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई पूछिए। तो यहां से सीधा सीधा, यदि ये अपना चतुर्भुज है,
बना ही नहीं, इसने तो बनाया ही नहीं। जो अपना समलंब सम चतुर्भुज सपोज सेट, इसका परिमाप 40 दे रखा है, मतलब 4 गुना भुजा, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 10। ये इसके सपोज विकर्ण है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, हो गया। एक भुजा की लंबाई 12 दे रखी है, सपोज मैंने ये 12 मान ली, जो ये वाली भुजा है, ये विकर्ण की लंबाई 12 दे रखी है, ये वाली विकर्ण 12 मान ली, तो इसको समद्विभाजित करेगा दूसरा वाला विकर्ण, ये 6 6 हो गए। ये बना क्या? एक समचतुर्भुज। तो इसकी निकाल लेंगे और उसके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दूसरे भुजा विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो इसको निकालेंगे कैसे? समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये कितना आएगा? 4 आएगा, राइट। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? विकर्ण की लंबाई, जो दूसरा विकर्ण है उसको 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 सेमी आ जाएगी। कितना आएगा ये? 86, 84, 64 आएगा, 8 आएगा, ये 4 नहीं आएगा। ये 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, डन। नेक्स्ट ऐसे पूछा है कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है, इसी को निकाल लो। मैं ये एक समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण की लंबाई अपने को दे रखी है कितनी? 32 और 24, और उसका क्षेत्रफल पूछ रखा है, सॉरी परिमाप पूछ रखा है। सपोज करो ये वाली 32 दे रखी है और ये दे रखी है 24, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगी, ये 12, और इधर ये कितनी हो जाएगी? 16, 16। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी? ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया। इसको क्या करेंगे अपन? ये वाले समकोण त्रिभुज के उससे क्षेत्रफल, मतलब कर्ण की वैल्यू क्या आएगी? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जो कितना बनेगा? 20 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अपने को पता है 3 4 5 में क्या होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 3 3 6 12, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब मैंने ये वाला बताया था ना आपको, ये 16, तो ये क्या आएगा? 20। यहाँ से ये किसका स्क्वायर बनेगा? 20। तो परिमाप कितना आएगा? 4 गुना भुजा, जो हो गई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब रोम्बस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस, सॉरी ट्रेपीजोइडल समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के भी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो नेक्स्ट अपना है टॉपिक समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम, ओके। समलंब चतुर्भुज की पहले विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? जो आमने सामने की भुजाएं होती है ना, वो समांतर होती है, ठीक है। सिर्फ समांतर होती है, ऐसे नहीं है कि बराबर होती है लंबाई में। और शेष दो भुजाएं, उनका कुछ अता पता नहीं है, वो समांतर भी नहीं होती और बराबर भी नहीं होती लंबाई में भी, ठीक है। तो इसके यही है, और इसका क्षेत्रफल बस इसके 3 ही पॉइंट है। इसकी जो दो भुजाएं होती हैं, कोई सी भी दो, जरूरी नहीं है ये वाली भी दो से समांतर हो सकती है, दो भुजाएं समांतर होती हैं। शेष दो भुजाएं समांतर नहीं होती, ओके। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग, लंबाई का योग, और जो उनके बीच की जो दूरी होती है, लंबवत दूरी, ठीक है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ में, तो ये इसका क्षेत्रफल है।
डन, परिमाप पता ही है, परिमाप पूछेगा नहीं क्योंकि सारे लंबाई चौड़ाई इनका पता नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ये उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में होतेगा अपने को परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 16 सेमी व 10 सेमी है। जो समांतर भुजाएं हैं, क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रही हूँ, समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चन चल रहे, क्वेश्चन दे रखा है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 16 सेमी है, दूसरी भुजा कितनी है 10 सेमी है, इसका क्षेत्रफल है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊंचाई पूछी है, मतलब इनके दोनों के बीच की दूरी पूछी है। तो अपने को पता है क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी, 26/2 मतलब 13, 13 को डिवाइड करो 78 से, 13 6 78, ये इसके दोनों के बीच की दूरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब आकार का क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है, समलंब आकार का क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे रखी है। ये बीच की लंबवत दूरी, वो है 24 मीटर, समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, का अनुपात है 5:3, तो बड़ी भुजा की लंबाई पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, और मैं बना देती हूँ एक समांतर चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। ये सपोज एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, इन भुजाओं का अनुपात 5:3 दे रखा है, समांतर भुजाओं का, मतलब ये 5x है और ये 3x है, राइट, इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, ये कितनी है 24 मीटर है, ठीक है, एरिया दे रखा है, तो एरिया से अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल 1440 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, तो 5x+3x इंटू उनके बीच की दूरी 24, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 12, ये 8 हो गया, 8 और 12 इसके डिवाइड में जाएंगे, एट इंटू 12 इक्वल एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये 2 टाइम 7 तो 0, चार वापस 2 बार जाएगा, 360 वापस जाएगा 2 बार, 6 बार हो गया, यहाँ से कितना बचा 180, फिर 3 बार जाएगा, देखते हैं इसको वापस करते हैं, ये कैंसिल हुआ, 12 1 12, 12 2 24, 120 आ गया, से 8 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8, ये 7 2 6 2 12, इसको 2 से वापस कैंसिल करेंगे तो ये 20 2 60 हो जाएगा, 12 ये 15 आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू 15 आई, तो बड़ी भुजा कौन सी है, 5 5x, यही तो मानिए अपन ने 5x, तो यहाँ से 15 गुना 5, तो यहाँ से कितनी आ गई बड़ी भुजा की लंबाई, 75 सेंटीमीटर, यदि छोटी भुजा की पूछता तो 3 गुना 15, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक समलंब चतुर्भुज जो है की दीवार है, समलंब चतुर्भुज के आकार की दीवार है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बनाते हैं समलंब चतुर्भुज, इसकी समांतर भुजाएं हो गई, ये कोई दीवार है। ओके, इस दीवार की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ की ये वाली डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर। समांतर भुजाएं 6 और 10 है, ये 10 मान लो, ये 6 मान लो। तो यदि इस दीवार की पुताई की लागत, मतलब कलर करा रहे हैं, पुताई की लागत 25 रुपये पर मीटर है, तो पुताई का खर्चा कितना होगा दीवार पे? दीवार का खर्चा निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल करना निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2, समांतर भुजाएं उनका योग और गुणा उनके बीच की दूरी, तो ये कितना आ गया? 4, यहाँ से कितना हुआ, 16 × 4, 64। तो 25 रुपये 1 मीटर का है, तो 64 मीटर का कितना होगा? 64 × 25, तो ये कितना आ जाएगा? 25 × 100, 1600। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात, दे ओनली चतुर्भुज दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 × 4, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6, और परिमाप दे रखा है, परिमाप है 72 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा की लंबाई पूछी है, बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? अब यहां से यदि मैं चतुर्भुज निकालू, कोई भी चतुर्भुज बना दू, सपोज वो चतुर्भुज ये वाला है, ठीक है, इसका 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, 3 4 5 6, मतलब ये 3x 4x 5x 6x है, इनका परिमाप दे रखा है, तो मतलब भुजाओं का योग 4x + 5x + 6x, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 72। इसका मतलब इनको ऐड करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितना हो गया 18, 18x = 72, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4। यहाँ से सबसे बड़ी बड़ी भुजा कौन सी है? 6x वाली, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगी? 3x, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, आगे के नेक्स्ट टॉपिक कल देखते हैं।